चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेगा। दो सीटों पर आपको लड़ेंगे, ये तो मैंने कहा ना कि बस दो तीन दिन बाद हम उम्मीदवारों का विचार हो गया रहा है, सब हो गया है, बस तीन चार दिन में बता देंगे। हमारा चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेगा। दो सीटों पर आपको लड़ेंगे, ये तो मैंने कहा ना कि बस दो तीन दिन बाद हम उम्मीदवारों का विचार हो गया रहा है, सब हो गया है, बस तीन चार दिन में बता देंगे। हमारा चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेगा। दो सीटों पर आपको लड़ेंगे, ये तो मैंने कहा ना कि बस दो तीन दिन बाद हम उम्मीदवारों का विचार हो गया रहा है, सब हो गया है, बस तीन चार दिन में बता देंगे। हमारा चार विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस चार विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है, आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहां कहां कौन लड़ेगा। दो सीटों पर आपको लड़ेंगे, ये तो मैंने कहा ना कि बस दो तीन दिन बाद हम उम्मीदवारों का विचार हो गया रहा है, सब हो गया है, बस तीन चार दिन में बता देंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।